हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। दोस्तों, आपने थंबनेल देख के समझ लिया होगा कि किस टॉपिक पे ये वीडियो है। मैंने लगातार पिछले 3 टॉप वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम माय हार्ट। इसलिए क्योंकि वो आपके लिए बहुत यूजफुल थे। आपने पिछला 2 वीडियो अगर नहीं देखा है तो लिंक दे दूंगा आई बटन पे, आप यहाँ क्लिक करोगे दिख जाओगे। पहले ये देख लो कि 4 ऑप्शन आपके पास होते हैं, ए बी सी और डी। इस ऑप्शन को कैसे इलिमिनेट करेंगे, आपको मैं सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा। ऐसे कुछ नहीं बताऊंगा जिसे आप समझ ही ना पाओ, हार्ड मैं चीज नहीं बताऊंगा। खास करके ये बीएचयू एंट्रेंस को देने के लिए है, और किसी एग्जाम में मैं इसलिए नहीं कह सकता हूं कि मैं 2018 में मेरा 1 रैंक था। इन्हीं सब कोशिशों के बावजूद ये मैंने रैंक हासिल किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पहले लाइक कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सारे पॉइंट्स क्या क्या वो चीजें हैं जिसको हम अगर ध्यान रखते हैं तो हमारा रैंक जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों हमारा रैंक 1 आया, क्या रीजन था इसके पीछे, हम देखते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो सुन रहा है मेरा ये वीडियो, कोई भी कितना भी कॉन्फिडेंस उसको हो, कोई एक आदमी ऐसा मुझे बता दो जिसको पूरे क्वेश्चन का सही सही आंसर पता हो। किसी को नहीं पता होता है। पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति, कमेंट करके बताना तीनों में से आप में कौन हो। मैं बता रहा हूं क्या कैटेगरी। एक जिसको सिर्फ पूरा क्वेश्चन जो सही पता है वही करना है, सही पता है वही करना है सर, इनका दिमाग में ये बैठा। दूसरा है पता हो वो भी या नहीं पता हो वो भी, ये दोनों को टिक करके आते हैं। तीसरे वो होते हैं जो क्या करते हैं, इनकी होशियारी मुझे अच्छी लगती है, इनके दिमाग में रहता है कि यार जो पता नहीं है, एकदम ही पता नहीं है उसको छोड़ो, जो थोड़ा बहुत पता है उस पे दिमाग लगाओ और जो पूरा पता है उसको टिक मारो। तो आपको क्या लगता है, आप तीनों में से कौन सी कैटेगरी में के हो, मुझे कमेंट करो इंस्टेंटली। आज के बच्चों का एग्जाम एकदम बुरा नहीं जाना चाहिए, मैं इसीलिए ये वीडियो लेकर के आ रहा हूं। अब बात करते हैं इस 3 कैटेगरी वाले का क्या करना। सबसे पहले मैंने पिछले 2 वीडियो में बताया, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो आपको करना है वो करना है, आपको जो पता है वो क्वेश्चन कर लो। 85 क्वेश्चन पता हो 150 में नो मैटर, कर लो। देखो, अगर क्वेश्चन पेपर हार्ड है तो सबके लिए है भाई, हार्ड है क्योंकि आ रहा है हार्ड, ऐसा लोग कह रहे हैं। बहुत कम विद्यार्थी हैं जो मेरे पास मैसेज किए कि सर क्वेश्चन मुझे इजी लगा। हार्ड तो आ रहा है, लेकिन सबसे पहले आपको मान लो 70 क्वेश्चन आया पूरा एक्यूरेट सही हो, इस 70 में से 2 गलत होगा ज्यादा से ज्यादा। आपका 280 मार्क्स में से अगर 10 घटा भी दे तो 270 मार्क्स एकदम कंफर्म हो गया। और आपने ये सुना हुआ है कि क्या क्या कट ऑफ रहे हैं पिछले साल, मान लो कट ऑफ रहा है 350, अब आपको कितने नंबर चाहिए, 80 मार्क्स और चाहिए। तो आपको करना होगा इंटेलिजेंट गेस, जिसके दम पे आप एग्जाम क्रैक कर पाओ, है ना। ये सबसे ज्यादा जरूरी अहम चीज है ना। अब आते हैं यहां पे, ये चीज समझते हैं कि इस इंटेलिजेंट गेस को हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जरूरी चीज, आपको 4 क्वेश्चन में जो पता है उसको आपने कर दिया, पूरा पता है, आधा पता है, उसके लिए 1 घंटा समय निकाल लिया और उस समय में उसको हम करेंगे, 1 घंटा समय देंगे, उस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, अगर मैथ के क्वेश्चन है सॉल्यूशन करेंगे। मैं पहले भी बता चुका हूं, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। जब दोबारा आप इलिमिनेशन टेक्निक शुरू कर दिया मैंने, ये ध्यान रखना, जब दोबारा आप पढ़ रहे हो तो ये ध्यान रखना कि फर्स्ट बार आपने पढ़ा था वो बहुत फास्ट पढ़ा था, दोबारा पढ़ रहे हो इजी वे में पढ़ रहे हो, 2 बार 3 बार क्वेश्चन आप पढ़ोगे खुद ब खुद बाकी के आंसर आपके छंटने शुरू हो जाएंगे, कौन होगा आपको पता चल जाएगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, लास्ट में इसका मास्टर प्लान भी दूंगा मैं कि क्यों ये होता है ऐसे, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, ओके।
आते हैं, इसको समझते हैं। ये आपने पूरा दो बार तीन बार पढ़ा, जो आंसर नहीं होंगे वो छट जाएंगे। अगर उसके बावजूद भी आपको दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, जनरली कंफ्यूजन बी और सी में होगा आपको, क्योंकि जो ऑप्शन देने वाला है वो इन्हीं दोनों में चूंकि आंसर होता है मैक्सिमम में, जो उसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है, जो आपको पता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो बी और सी में ही कंफ्यूज करके आपका टाइम किल करता है। तो 50-50 तो आपको पता चल गया, जिस क्वेश्चन में 50-50% पता चल गया उसमें आपको 50% पता है, तो 50% ही तो नहीं पता है, मतलब हम इक्वल फुटिंग पे हैं, इक्वल फुटिंग पे है, तो थोड़ा सा उसको टाइम दे दो, 30 सेकेंड और उस पर सोच लो। क्या आपने उसको लाइफ में उस क्वेश्चन को कहीं सुना है? हो सकता है कि आपने पढ़ा ना हो, लेकिन कहीं पेपर में सुना हो, न्यूज में देखा हो, टीवी पे पढ़ा हो, कहीं दोस्तों के मुंह से सुना हो, ये ऐसा हो सकता है, या कहीं क्विज सॉल्व किया हो, प्रैक्टिस सेट किया हो, उसमें आपको वो क्वेश्चन दिखा हो, ठीक है। अगर एग्जामिनर का एक चीज मैं बताता हूं, तुक्का भी आप इस पे लगा सकते हो, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करते हैं तो ऐसा बहुत कम देखा जाता है, अभी तक का एक्सपीरियंस भी है मेरा, कि ए और डी उसका राइट आंसर हो। क्यों पता है आपको? ए और डी आपको परफेक्ट पता होगा, हर क्वेश्चन में आप जैसे ही पढ़ोगे अगर ए और डी वो ऑप्शन देने लगेंगे तो वो उनका कंपटीशन बहुत इजी हो जाएगा। होता यूं है कि ये ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है, डी है, इस बी और सी को जानबूझ के इसमें कंपटीशन बढ़ाने के लिए दिया जाता है, ताकि आप इसमें दिमाग लगाते रह जाओ। आपको पता है वेरी वेल, नहीं पता है तो इसको आपको ध्यान रखना है कि बी और सी में से कोई भी लगे आपको ऑप्शन मान लो, ठीक है। अगर मान लो आपको सही ऑप्शन उसमें नहीं पता हो, आपने गलत ही छांट दिया, तो आपका जो ये डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, आप एग्जाम में सही ऑप्शन खुद ब खुद चुन लोगे। देखिए कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है किसी किसी क्वेश्चन में। तीसरा हमारा क्या हो गया, कॉमन सेंस का यूज करें, और उस कॉमन सेंस में आप ये देखोगे कि ये कॉमनली क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं है, तो कॉमन सेंस को लगा करके इलिमिनेट करेंगे ऑप्शन, जो बच जाएगा आंसर होगा। ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है, इंटेलिजेंट गेस जरूरी है, आपको इंटेलिजेंट गेस भी तभी होगा जब आपने पढ़ाई की होगी, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अब इसको समझते हैं क्यों ये जरूरी है। देखो मान लो हमने बात की थी 70 क्वेश्चन आपने कर दिए अपने, 280 270 से 80 के बीच में आपको आ रहा है, अब आपके पास क्वेश्चन बच गए 80, इसमें से आपने 30 क्वेश्चन को ऐसे कर दिया जिसमें 50-50 पता है, इस 30 क्वेश्चन में से 10 गलत भी हो गए, तो 30 चौके 120 में से 10 नंबर आपके घटे, आपका 110 फिर भी अधिक आया, जो कि आपको टॉपर बना सकता है। बस यही मेरा कहने का मतलब था। राइट आंसर आपको चूज नहीं होता है तो आप इलिमिनेट करो अपने थॉट प्रोसेस को आराम से बनाने के दम पे, ठीक है। जो फालतू के एकदम ऑप्शन लगे उनको तो छांट ही दो, ये ध्यान रखना है, समझ रहे हो बात। अब कोई क्वेश्चन का आंसर ऐसा होता है जो अनफेमिलियर होता है, पूछा जा रहा है वोल्केनो के बारे में बात कर रहा है, वो बात कर रहा है ट्री के बारे में, तो वो तो उसको छांट ही दो, वो इलिमिनेट हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आता है वो बनाना है, दूसरी बार में जो कम आता है उस पे सोचना है, तीसरी बार में सॉल्यूशन करना है, टाइम बचा के रखना है। ये अगर प्रैक्टिस करते हो आप तो आप सफल डेफिनेटली हो पाओगे। सो प्लीज फॉलो दिस, थैंक यू सो मच।